आज हम बनाएंगे मीठी पूड़ियाँ। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और ये हम गेहूं के आटे और गुड़ से बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही खस्ता और बहुत ही नरम सी पूड़ियाँ हमारी बनकर तैयार हुई हैं। इसे हम 1 से 2 हफ्ते तक स्टोर भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले मैंने एक पैन में 1.5 कप मैंने गुड़ का डाल लिया। ये मेरे पास डाइस वाला गुड़ है, इसमें मैंने 1 कप पानी का डाल दिया। पानी अगर कम लगेगा तो बाद में भी ऐड कर सकते हैं हम। इसे हम अच्छे से घुलने तक गर्म करेंगे। जब तक ये अच्छे से घुल नहीं जाता, इसकी चाशनी नहीं बनानी हमने, सिर्फ पानी में घोलना ही है। अगर हमारे पास समय हो तो इसे गर्म करने की ज़रूरत नहीं, तो इसे पानी में पहले से ऐड करके रख दो, तो ये 2 से 3 घंटे में अपने आप ही मेल्ट हो जाता है। ये हमारा 4-5 मिनट में गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है, उसे ठंडा कर लिया मैंने अच्छे से। ये मैंने 1.5 कप गुड़ में 3 कप मैंने आटा डाल लिया। अब हम इसमें घी का मोयन डालेंगे। घी को पहले थोड़ा सा मेल्ट कर लेते हैं, सर्दी है थोड़ा सा जम जाता है। अगर हम मेल्ट करके डालेंगे तो अच्छे से पूरे आटे में मिक्स हो जाएगा। घी का मोयन डालेंगे तो पूरियां हमारी बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होंगी। तो इसे ऐसी चीज़ में जरूर से ऐड करना चाहिए। आप इसमें घी ऐड करेंगे और अच्छे से पूरे आटे में मिक्स करेंगे। जैसे मैंने 3 कप आटा लिया था तो मैंने 1/2 कप इसमें घी डाल दिया है। इतना मोयन डालने से बहुत ही सॉफ्ट और खस्ता पूड़ी बनकर तैयार होगी। इसे पूरे आटे में ऐसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारा पूरा घी अच्छे से मिक्स हो गया है, ऐसे मुठिया बनने लगी है, तो हमारा मोयन परफेक्ट है। आप इसमें हमने जो गुड़ और पानी का मिक्सचर बना के रखा है उसे डाल देंगे, वो भी हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसे हम छान कर डालेंगे, क्योंकि गुड़ में थोड़ी सी गंदगी होती है, तो जो भी होती है वो हमारी छन्नी में निकल जाएगी। अब इसे आराम से हम एक सॉफ्ट सा डो लगाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट सा डो लगाना होगा, क्योंकि मीठे वाली पूड़ियाँ बाद में आटा हार्ड हो जाता है। ये देखिए, हमने बहुत ही सॉफ्ट सा डो लगा कर तैयार कर लिया है। अच्छे से एक बार हाथों से मसल लेंगे और इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट है। इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा देंगे ताकि ये ऊपर से सूखे ना, और एक कपड़े से इसे ढक कर रख देंगे आधे घंटे के लिए। जब तक हमारा आटे को आधा घंटा नहीं होता, उतनी देर तक हम आलू की सूखी सब्जी बनाकर तैयार कर लेते हैं। मीठी पूड़ियों के साथ आलू की सूखी सब्जी बहुत ही स्वाद लगती है, इसे ज़रूर से बनाना चाहिए। ऐसे इसके लिए हम जितनी ज़रूरत हो उतने आलू छील लेंगे। हम आलू को बॉईल करके बनाएं तो उससे भी हम सब्जी बना के तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसी तरह कच्चे आलू को काट कर सब्जी बनाऊंगी। इसे हम छोटे पीसेस में काट लेंगे, बहुत बड़े नहीं रखेंगे। आलू के छोटे पीसेस होंगे तो जल्दी से सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। इस तरह मैंने दोनों आलूओं को अच्छे से छोटे पीसेस में काट के तैयार कर लिया। इन आलू को हम काट के पानी में डाल के रख देंगे ताकि ये काले ना हो। मीठी पूरियों को हम अचार चटनी के साथ भी खा सकते हैं, तब भी बहुत स्वादिष्ट लगती है, लेकिन आलू की सब्जी के साथ तो और भी ज़्यादा स्वाद लगती है। अगर हमने कहीं घूमने जाना हो तो इस तरह से हम बनाकर पैक कर सकते हैं। ये ठंडी पूरी और आलू की ठंडी सब्जी भी बहुत ही स्वाद लगती है, और ये ख़राब भी नहीं होती जल्दी से, क्योंकि हम इसमें दही नहीं डालेंगे, बस 1 टमाटर ही डालेंगे। ये मैंने 1 टमाटर, छोटा सा अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्ची को बारीक काट लिया है। अब एक पैन में थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे और इसमें हमने 1/5 हींग डाल दी। आलू में हींग जरूर से ऐड करनी चाहिए,
हाफ टी स्पून इसमें मैंने साबुत राई डाल दी और हाफ टी स्पून इसमें जीरा डालेंगे। दो मैंने सूखी हुई लाल मिर्ची डाल दी। कुछ करी लीव्स मैंने हाथ से क्रश करके डाल दी है, ये मेरे पास सूखे हुए करी लीव्स है। और इसमें अदरक और हरी मिर्ची को जो बारीक काट के रखा था उसे डाल दिया हमने। इसे हम एक मिनट तक भुनेंगे ताकि अदरक का कच्चापन चला जाए। अब इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर को जल्दी से सॉफ्ट करने के लिए इसमें हम हल्दी और नमक डाल देंगे। स्वाद अनुसार इसमें नमक डाला हमने, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डाला। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे ढककर 5 मिनट तक लो फ्लेम पे रखेंगे ताकि इसमें टमाटर और मसालों का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। हमारे मसालों ने अच्छा सा घी छोड़ दिया है, बहुत ही अच्छा मसाला बनकर तैयार हुआ। अब इसमें हमने जो आलू को रखा है उसे ऐड कर देंगे। ये हम बिना प्याज और लहसुन के बिना बना रहे हैं, तो ये हम व्रत में भी खा सकते हैं। इस तरह से बनाकर एक दिन पहले भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। अब हमने इसमें सारे आलू डाल दिए और इसे हम 4 से 5 मिनट तक इसी तरह लो फ्लेम पे भुनेंगे। इस तरह भुनने से हमारे आलू की सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं ऐड करेंगे। इसे 4-5 मिनट हो गए इसी तरह से हमें भूनते हुए। अब इसका ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगा कर इसे 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पे रखेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, हमारे आलू पहले से सॉफ्ट हो गए हैं लेकिन अभी भी थोड़ी सी कच्ची है ये सब्ज़ी, तो इसमें से थोड़ा सा समय और लगेगा। अब हम बाकी के मसाले भी ऐड कर देते हैं। जैसे हाफ टी स्पून इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाला और हाफ टी स्पून धनिया पाउडर डाला। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमने मिर्ची और धनिया पाउडर बाद में इसलिए ऐड किया ताकि ये नीचे से जले ना, क्योंकि हमने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला। अभी भी थोड़ी सी आलू की सब्ज़ी थोड़ी सी हार्ड है, तो इसे 2 से 3 मिनट और भुनेंगे हम। 1 से 2 चम्मच मैंने पानी डाल दिया। इसे ढककर 5 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अब इसमें हम थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे और इसे खट्टा करने के लिए हाफ टी स्पून मैंने इसमें आमचूर पाउडर डाल दिया। थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी हाथ से क्रश करके। इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर इसे 2 दिन तक रखना है तो इसमें आमचूर पाउडर ना डालें। थोड़ा सा धनिया को बारीक काट के डाल देंगे। हमारी आलू की टेस्टी सी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। कढ़ाई में मैंने रिफाइंड ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया। अब हम आटे को थोड़ा सा मसल लेंगे। ये देखिए, ये बहुत ही हार्ड हो चुका है, जैसे हमें चाहिए वैसे ही। अगर हम पहले से ही इसकी हार्ड डो लगा लेंगे तो ये बाद में हमारी पूरियाँ अच्छे से नहीं बनेंगी। साइड से किनारे बहुत ही ज़्यादा टूटते हैं, फिर वो अच्छी नहीं बनती। अब इसको हम एक लोई तोड़कर उसका ऐसे रोल बना लेंगे। मैंने हाथों में थोड़ा सा घी लगा लिया है ताकि हाथों में चिपके ना। अब इसे हम 1-1 इंच के डिस्टेंस से काट लेंगे और एक पूरी की लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। इसे हाथ से इस तरह रोल कर लेंगे। मीठी पूरियां बना रहे हैं तो किनारे तो थोड़े से टूटते ही हैं। अगर हम इसे बिल्कुल इक्वल बनाना चाहें तो इसे हम कटोरी या किसी भी बाउल से शेप दे सकते हैं। इस तरह मैंने कुछ लोइयां बनाकर तैयार कर ली है। अब इसे हम बेलने से बेल लेंगे। थोड़ा सा मैंने घी लगा लिया है ताकि ये नीचे से चिपके ना और इसमें सूखे आटे की ज़रूरत ना पड़े। इस तरह हम एक पूरी की शेप की तरह बेल लेंगे।
अगर हमारा आटा बहुत ही हार्ड या बहुत ही सॉफ्ट होगा तो इस तरह से हम इसे नहीं बेल सकते, उसे बेलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। इसी तरह हम पूरी पूरियों को सभी को बेल कर तैयार कर लेते हैं। उतनी देर में हमारा घी भी अच्छे से गर्म हो जाएगा। मैंने लो फ्लेम पे रखा है उसे। ये मैंने सभी पूरियों को बेल कर तैयार कर लिया है। ये बिल्कुल भी आपस में चिपक नहीं रही क्योंकि आटा गूंथते समय हमने अच्छे से मोइन डाला था इसमें, तो ये आपस में नहीं चिपकेंगी। अब हम अपने घी को अच्छे से चेक करेंगे। पहले हमारा घी अच्छे से गर्म हो गया है या नहीं। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसे गर्म नहीं करना हमने। एक बार घी गर्म होने के बाद थोड़ा सा हमने ठंडा कर लिया। अगर बहुत हाई फ्लेम पे इसे रखेंगे तो हमारे पूरियाँ जल जाएंगी, ऊपर से काली हो जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। इस तरह अच्छे इसे हम दोनों तरफ से ब्राउन होने तक पका लेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे बनाएंगे और इसे हम एक छन्नी में रखेंगे ताकि इसका जो घी है एक्स्ट्रा वो हमारे नैपकिन में चला जाए। छन्नी के ऊपर एक हमने कपड़ा रख लिया मलमल का। और नीचे से गीली भी नहीं होंगी। ये देखिए हमारी अच्छी सी ब्राउन कलर की पूरी बनकर तैयार हो गई है। और साथ में हम बाकी की पूरियों को भी ऐड करते जाएंगे। एक बार में 2 से 3 पूरियों भी हम फ्राई कर सकते हैं। हमारी कढ़ाई में अच्छे से घी है ज़्यादा, तो हम एक बार अच्छे से हमारा घी बन जाए तो उसके बाद 2 से 3 एक बार में ही इकट्ठी डालकर हम फ्राई कर लेंगे। ये हमारी बहुत ही सुंदर सी ब्राउन कलर की पूरियां बन रही हैं। इसे हम एकदम से नहीं पलटेंगे, थोड़ा सा नीचे से ऊपर आएगी तब ही हम इसकी साइड चेंज करेंगे। अगर हम पहले ही से इसकी साइड चेंज कर देंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट है तो टूट सकती है। ये देखिए हमारी सभी पूरियां बनकर तैयार हो गई है, बस ये लास्ट वाली है। अगर इसमें कोई थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा घी है इस तरह से हम इसे निकाल देंगे। ये घी हम फिर यूज़ कर लेंगे दोबारा से। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत सी क्रिस्पी सी हमारी पूरियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। बहुत ही अच्छा कलर बना है इसका और साथ में आलू की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए हम तोड़कर दिखाते हैं, तो आप भी इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलेंगे फिर एक नई रेसिपी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।